स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मदर टीचर। मैं हूं नेहा भटनागर और आज हम सीखेंगे देयर और देयर का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं और हम बच्चों को ये कैसे इजीली सिखा सकते हैं। तो जब भी हम इस तरह से कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं या बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले हमें उन शब्दों का उनको मीनिंग बताना चाहिए, तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं देयर। देयर का मीनिंग होता है किसी जगह के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है। हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ। तो वहाँ के लिए हम मतलब हम किसी भी प्लेस को अगर रेफर कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे देयर, THEIR, ये वाला देयर, ठीक है। जैसे देयर इज अ बैग, देयर इज अ हाउस, इस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है THEIR, देयर। इसका मतलब होता है उनका, मतलब हम किसी की ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चीज किससे बिलोंग करती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये उनका घर है, ये उनका सामान है, कल हम उनके घर जाएंगे, हम उनके पपी के साथ खेले, या हमने उनको आज दावत पर बुलाया है। इस तरह की सेंटेंसेस में जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं उनका, तो उसको हम इंग्लिश में THEIR, देयर बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, आई होप आपको ये वर्ड्स का मीनिंग तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हमें मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा तभी हम सेंटेंसेस समझ पाएंगे। अब इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे समझने में। देयर आर सम बुक्स, ठीक है, मतलब वहां पर कुछ, यहाँ पर कुछ किताबें रखी है। दिस इज देयर प्लान, ये उनका प्लान है। अभी हम किसी के प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। We live there, हम वहां रहते हैं। We played with their puppy, हम उनके पपी के साथ खेले, उनके पपी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम THEIR यूज कर रहे हैं। There is a tree in our garden, तो यहाँ पे हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी जगह को रेफर करेंगे तो हम THEIR, देयर यूज करेंगे। और जब हम किसी पर्सन के बारे में या कोई चीज किससे बिलोंग कर रही है उसकी ओनरशिप के बारे में बात करेंगे तब हम THEIR यूज करेंगे। सो इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स मैंने अपलोड की हैं जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, तो आप उनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ और सेंटेंसेस के साथ हम समझ लेते हैं, तो आइए करते हैं। ये एक वर्कशीट है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डैश इज अ बैग। अब हम यहाँ पे डैश इज अ बैग, अभी अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे THEIR, देयर इज अ बैग, तो वो सेंस नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ बैग, वहां पर एक बैग है या वहां एक बैग है। सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, THEIR, देयर इज अ बैग, वहां एक बैग है। इट इज डैश बैग, इट इज their bag, ये उनका बैग है। It is their bag. Dash is a big house. So there is a big house, वहां एक बड़ा घर है। THEIR, there is a big house. Next is, it is dash house, ये उनका घर है। It is their house. THEIR, their house. Okay, dash are some toys in the basket. So हम यहाँ पे यूज करेंगे, there are some toys in the basket. So I hope आपको ये समझने में आसान लगा होगा। अगर आपको ये इजी लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।